टीम इंटर के मुतनाज़ नतज पर तुलबा का एहतजाज जारी है। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे में शरीक तुलबा ने नतज मनसूख करने का मुतालबा कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल फिरोजी से। मुजम्मिल बताएगा। जी बिल्कुल, इंटर आला सानवी तालीमी बोर्ड के जो इम्तहानात से नतज जारी हुए थे उस पर 15 रोज से तलबा और तलबा सरापा एहतजाज हैं। कल जमात इस्लामी ने धरना दिया था इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर और आज जो है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज है। यहाँ पर हमारे साथ तलबा और तलबा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या वो मुतालबा लेकर आए हैं, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। आप लोगों को बताइए क्या मुतालबा थे। हमारे ज्यादा मुतालबे नहीं है, हमने अपने हक के लिए आवाज उठाई है और हम अपने हक के लिए ही 3-4 मुतालबे लेकर आए। पहला मुतालबा ये था कि मार्कशीट रोक दी जाए, तो उन्होंने वो नहीं रोकी। दूसरा मुतालबा ये था कि स्क्रूटनी नहीं करवाएंगे, वो भी नहीं रोकी। उसकी जगह एप्लीकेशन का फॉर्म कह दिया कि जी आप एप्लीकेशन करवा लें। हमने वहाँ पर आधा घंटा प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जाकर वो एप्लीकेशन के लिए माने तो रिसीविंग नहीं दे रहे। फिर रिसीविंग दी तो इतनी बदतमीजी करने लगे, ये वो लड़कों पर हाथ भी उठाया वहाँ के जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में बैठे हुए थे उस टाइम पर, तो लड़कियों से भी बहुत बदतमीजी की। और उन्होंने कहा कि अब आप स्क्रूटनी ही करवाएं, हम एप्लीकेशन नहीं करेंगे। तो आप भी जानते हैं कि स्क्रूटनी में सिर्फ प्री काउंटिंग होती है, जो है रीचेकिंग नहीं होती। हमने अपने पेपर रीचेकिंग करवाने क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पेपर चेक के गलत हुए हैं। जी बिल्कुल, देखें तलबा तलबा का मुतालबा यही है कि जो इंटर बोर्ड ने जो स्क्रूटनी का ऐलान किया है, स्क्रूटनी को मनसूख करते हैं, स्क्रूटनी को नहीं मानते, स्क्रूटनी ना करवाई जाए, रीचेकिंग करवाई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए।